हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो जो नेक्स्ट स्टेप था, जो प्रोसीजर था, स्टेप्स था, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि अनुमान। मान लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि इन चीज़ों से ये सॉल्व हो सकता है। तो ये एक तरीके से अनुमान होता है, कोई इमेजिनेशन मान लीजिए, या कोई कोई गेस मान लीजिए, ठीक है, गेस वर्क यहाँ पे काम करता है। हाइपोथेसिस जनरली ऑकर्स व्हेन वी परफॉर्म इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब इसमें ये होता है ना कि हम कोई चीज़ें, जैसे कोई तरीका हम अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर इस प्रॉब्लम से हो रहा है, अगर नेक्स्ट सिचुएशन में भी इसी प्रॉब्लम से ये मतलब इसी सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उन चीज़ों को हम फिर जनरलाइज कर देते हैं कि ठीक है, यही मेथड है, वो काम कर रहा है। तो एक तरीके से हाइपोथेसिस अनुमान लगाना किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है क्या? हाइपोथेसिस जनरली ऑकर्स व्हेन द परफॉर्म इंडक्टिव रीजनिंग। इन इंडक्टिव रीजनिंग रिसर्च, जो रिसर्चर है, टेक्स अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू परफॉर्म अ थ्योरी। जो रिसर्चर है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्योरी को परफॉर्म करने के लिए। इट्स बेसिक फंक्शन इज द प्रिडिक्शन ऑफ फाइनल रिजल्ट। प्रिडिक्शन, मैंने बोला था ना, प्रिडिक्शन या अनुमान लगाना या गेस करना, फाइनल रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। द हाइपोथेसिस ऑफ एक्शन रिसर्च कंसर्न द सॉल्यूशन ऑफ सम पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम, हेंस इट इज कॉल्ड एक्शन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है एक्शन रिसर्च में? जो कि सॉल्यूशन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या प्रॉब्लम का निकालता है, ये एक्शन हाइपोथेसिस कहलाता है। इट इज़ इंटेलिजेंट गेस और अ पॉसिबल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। कोई पॉसिबल आंसर या फिर कोई गेस, इट इज़ अ टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है ये। इसके एस्पेक्ट्स क्या है? एक्शन एंड गोल। इट इंडिकेट एक्शन शुड बी टेकन टू अचीव द गोल। कोई भी एक्शन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। गुड हाइपोथेसिस क्या होता है? जो कि सेव टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, और रिसर्चर का लेबर ऑफ ग्रेट एक्सटेंट ये करता है, मतलब कि उनका जो वर्कलोड है वो कम करता है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इनसाइट मतलब कि कुछ फ्यूचर देख लेना, इमेजिनेशन ऑफ पावर ऑफ द रिसर्चर। तो ये था हाइपोथेसिस, जो कि नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी, या फिर आप प्रोसीजर जो पूछता है उसके अंदर, थर्ड वाला जो सेकेंड वाला स्टेप है उसके अंदर आता है। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस हो गया। अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये शॉर्ट्स में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एक्शन हाइपोथेसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, या फिर आप लॉन्ग में भी बता सकते हैं। वेरीफिएबिलिटी, अ गुड एक्शन हाइपोथेसिस कैन बी प्रैक्टिकली वेरीफाइड। जो अच्छा एक्शन हाइपोथेसिस होता है प्रैक्टिकली वेरीफाइड होता है। इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों पे होना चाहिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ये चीज़ रिसर्च अप्लाई करके देखोगे जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है। क्लियरिटी, देयर इज़ नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी एज इट स्पेसिफाइड वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली। परपजिवनेस, इट्स पर्पज इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड द रिसर्च वर्कर इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। जो रिसर्चर है वो फुल्ली अवेयर होने चाहिए इसके पर्पज से। रेलिवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, एज इट इज इंटेंडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम इट हैज़ टू बी इन लाइन विद द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। मिनिमम इंटरफेरेंस, एक्सेप्ट अनवॉइडेबल सर्कमस्टेंस इट डज नॉट इंटरफेयर विद अदर एक्टिविटीज ऑफ द रिसर्चर एट ऑल। इससे रिसर्चर के किसी और एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इकोनॉमिकल, अ गुड एक्शन हाइपोथेसिस कंज्यूम्स लेस मनी एज वेल एज टाइम। मनी और टाइम लेस होना चाहिए, लगना चाहिए एक गुड एक्शन हाइपोथेसिस में। वैलिडेटेड बाई लॉन्ग लास्टिंग थ्योरीज, इट इज़ वैलिडेटेड एंड सपोर्टेड बाई अदर प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड एंड अनडिस्प्यूटेड थ्योरीज। जो ये रिसर्च होता है, हाइपोथेसिस होता है, वो वैलिडेट होता है जो पहले से एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है उसके सपोर्ट से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एक्शन हाइपोथेसिस पूछता है कितनी बार शॉर्ट क्वेश्चन में। कभी कभी ये भी पूछता है मेन कंपोनेंट ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। तो इसके चार कंपोनेंट हैं, आप लोग बस ये चारों कंपोनेंट लिख दीजिएगा, देख लीजिए क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिवर्स टू विच रिसर्चर रिजल्ट वुड बी अप्लीकेबल। जो भी रिसर्चर का रिजल्ट होता है वो पूरे यूनिवर्स पे अप्लीकेबल है या नहीं, ये तीन चार कंपोनेंट है। अगर पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो कंपोनेंट आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट वन इज नीड एंड इंपॉर्टेंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअली जो थर्ड यूनिट है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 5-6 तो आराम से आते ही आते हैं। हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्चर टू ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट न्यू एरिया ऑफ डिस्कवरी। जो नया एरिया है डिस्कवरी का वो इनेबल करता है। इट प्रोवाइड पावरफुल टूल फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू द रिसर्च एक्टिविटी। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्चर डिफाइनिंग सोर्स एंड रेलिवेंस डेटा। सोर्स डिफाइन करता है, रेलिवेंस डेटा प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है रिसर्चर को, एक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है। ये सब इसका नीड है और इंपॉर्टेंस। इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। इट स्टिमुलेट्स द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर एज द रिसर्चर फॉर्म द हाइपोथेसिस बाय एंटिसिपेटिंग द आउटकम। इट सर्व द फ्रेमवर्क फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑफ द स्टडी।
ये नीड एंड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल हाइपोथेसिस और एक्शन हाइपोथेसिस का भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जरूर। तो ये देख लीजिएगा इसमें क्या डिफरेंस है। इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इट कुड बी डिक्लेरेटिव फॉर्म्स, प्रिडिक्शन एंड क्वेश्चन फॉर्म। क्लियर एंड प्रिसाइज होता है जनरल हाइपोथेसिस। ये टेस्टेबल विद इन कंसिडरेबल शॉर्ट टाइम होता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन एज वेल, बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशन एंड स्पेक्चुलेशन। ये प्रिडिक्शन होता है, ये क्लियरिटी द डायरेक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तीन चार डिफरेंस है जनरल हाइपोथेसिस और एक्शन हाइपोथेसिस में, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो अब छोटा सा कुछ एक दो टॉपिक बचा है, दो स्टेप आई थिंक बचे हुए हैं प्रोसीजर के, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आएंगे, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट। तो बस जितना मैं करा रही हूँ उतना भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपका पेपर 100% इसमें से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो एक लास्ट टॉपिक बचा है, दो स्टेप्स बचे हैं, उन्हें मैं जल्दी से कवर कराने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।